नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। कांग्रेस की महापंचायत में बीजेपी पर प्रहार, कृषि बिल व हाथरस की घटना के विरोध में हरेंद्र मलिक ने दिखाई अपनी ताकत। केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल और उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी गुड़िया प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी और रालोद नेता जयंत चौधरी के साथ पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई अभद्रता, लाठीचार्ज के विरोध में आज मुजफ्फरनगर में हुई कांग्रेस की महापंचायत में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सरकारों पर जमकर प्रहार करते हुए मोदी योगी सरकार को किसान विरोधी सरकार करार देते हुए कृषि बिल और हाथरस की घटना की निंदा की गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में हुए गैंगरेप के कांड के बाद प्रदेश भर में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और इसी के चलते मंगलवार को पूर्व सांसद व जिले के दिग्गज कांग्रेस नेता हरेंद्र मलिक ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने एक बार फिर महापंचायत में भारी भीड़ जुटाकर शासन और प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराकर उनकी नींद उड़ा दी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हुई कांग्रेस की महापंचायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर सहित कई जिलों के कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। वहीं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए इस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की आज की किसान पंचायत, जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, अन्य नेतागण संबोधित करेंगे, किसानों की राय जानेंगे, उनसे आदेश लेंगे कि क्या करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में धिकाने से पास किए गए काले कानूनों के विरोध में और हाथरस में जो राष्ट्रीय नेताओं के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, आदरणीय प्रियंका जी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी के साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ है, उसकी निंदा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है, उनकी जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है, जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है, MSP को समाप्त करना चाहती है। जिस तरह का विधेयक इस सरकार ने लाने का काम किया है, निश्चित रूप से किसान अपने आप को छला और ठगा समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी इसी बिल के विरोध में लगातार देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है। जब तक यह सरकार इस कृषि विधेयक को वापस नहीं लेगी, लड़ाई जारी रखेगी। मुजफ्फरनगर से महेंद्र मिश्रा के साथ आलिशान खान की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।